का दिखा अलग अंदाज। पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान किसान के खेत में जाकर हल बक्कर चलाए और बोले किसान से खेती से जुड़ी बात करें ताकि खेती बन सके लाभ का धंधा। बड़वानी राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी आज क्षेत्र के पानसिमल पंचायत चुनाव में प्रचार के दौरान अलग अंदाज में नजर आए। यहां पर एक स्थान पर किसान को हल बक्कर चलाता देख सांसद भी हल बक्कर चलाने लगे, जिसे देखकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। किसान का हौसला बढ़ाने के लिए मैंने ये सब कहा क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहती है और मैंने इसी के चलते न सिर्फ हल बक्कर चलाया, किसान से खेती बाड़ी के संबंध में बातचीत भी की। ये अनोखा अंदाज नहीं है, किसान का बेटा हूँ, जब मुझे मौका मिलता तो हल बक्कर टिफन गिरने में कोई कमी नहीं रखता हूँ, खेती बाड़ी का काम भी करता हूँ। और आज भी मैंने चुनाव प्रचार के दौरान मुझे ऐसा लगा कि इस किसान भाई के साथ में अगर हल और बक्खर चला रहा है तो हम भी चलाएंगे, तो उनके साथ हाथ बटाएंगे तो उनका हौसला भी बढ़ेगा और खेती करने की उमंग भी बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार कहती है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है, तो लाभ का धंधा बनाने के लिए खेती से संबंधित जुड़ी हुई बातें भी मैंने उस किसान के साथ की है। आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि जब भी आपको समय मिले तो आप भी खेतों में जाएँ और किसानों के साथ काम करें। बहुत धन्यवाद। इंदौर में कंडी सेना ने प्रदेश के एक भी महापौर प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस भाजपा द्वारा राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिए जाने पर विरोध जताया है। कहा कि नोटा का उपयोग करेंगे और किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इंदौर में सोशल मीडिया पर इन दिनों करनी सेना के लोग लगातार राजपूत समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिए जाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। करनी सेना के लोगों ने मीडिया से कहा कि भाजपा और कांग्रेस किसी ने भी राजपूत समाज के व्यक्ति को महापौर प्रत्याशी नहीं बनाया पूरे प्रदेश में, इसलिए वो किसी पार्टी को वोट देने के बजाय नोटा का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा माइकेलाल शब्द को लेकर कहा कि इस बार उन्होंने ऐसा शब्द तो नहीं इस्तेमाल किया लेकिन राजपूतों को उनकी औकात दिखा दी, लेकिन अब हम इनको इनकी औकात दिखाएंगे और नोटा का इस्तेमाल करते रहेंगे। करनी सेना भारत द्वारा लगातार इसलिए विरोध किया जा रहा है कि राजपूत समाज की हमेशा उपेक्षा की जा रही है दोनों ही पार्टियों द्वारा, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। इसलिए हमने नोटा का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है करनी सेना के भारत के समस्त पदाधिकारियों द्वारा, क्योंकि अफसोस की बात है कि यहाँ पे जो जितने 16 नगर निगम परिषद हैं उनमें से लगभग 8 सामान्य सीट होने के बावजूद भी जिसमें से एक को भी राजपूत समाज के प्रत्याशी को जो महापौर के पद के लिए नहीं किया गया बीजेपी की ओर से, खास तौर से जिसमें से 6 ब्राह्मण समाज के हैं 2 अन्य, तो क्या राजपूत समाज इतना गया गुजरा है कि हमारे एक भी पदाधिकारी को टिकट नहीं दिया गया है? और इस कारण जो हम और राजपूत समाज के नेताओं से मेरी अपील है कि अपना अस्तित्व बचा के रखें, नहीं तो आने वाले समय में आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समाज आपके साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, लेकिन समाज को साथ में लेके चलें। जिस तरह पिछली बार विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें भी राजपूत समाज ने विरोध किया था, उसका रिजल्ट आप सब लोगों ने देखा है, क्योंकि पहले भी मामा जी ने उसको पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था माइकेलाल, इस बार उन्होंने माइकेलाल शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया है लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि राजपूतों तुम्हारी कोई औकात नहीं है, है ना। हालांकि राजपूतों की औकात जब तक सूरज है तब तक रहेगी, लेकिन इनको शायद ऐसा महसूस होता है जो कर्ता धरता ऊपर बैठे हैं, इसलिए इन्होंने राजपूत समाज को तवज्जो नहीं दी। हमारा विरोध जो है जारी रहेगा, नोटा का इस्तेमाल हम लोग करते रहेंगे। इंदौर में लगातार बढ़ती चोरी को देखते हुए अब क्राइम ब्रांच वाहन चोरों पर निगाह रखे हुए। इसी कड़ी में एक ऐसे शातिर वाहन चोर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है जो सुनसान इलाकों से दोपहिया वाहन चुराता था। आरोपी से 2 चोरी के दोपहिया वाहन बरामद हुए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो सुनसान इलाके से दोपहिया वाहन की चोरी की वारदात को अंजाम देता था और उन्हें औने पौने दामों में बेच देता था। पकड़े गए चोर का नाम महेश राठौर है जो नशे का आदी है। अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए दोपहिया वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल महेश से पूछताछ की जा रही है जिससे और भी चोरी के खुलासे होने की संभावना है। महेश राठौर नाम के वाहन चोर को पकड़ा गया, उससे परदेशीपुरा और संयुक्तगंज के 2 वाहन बरामद हुए हैं जो थानों को सपोर्ट कर दिए गए हैं और अन्य थानों को भी सूचना कर दी गई है और इसका पूर्व का रिकॉर्ड भी है और इसमें अन्य वाहन भी बरामद होने की संभावना है। ये जो है नशे के लिए अधिकतर ये इस तरह की वारदात करना बताया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 1 साल से फरार चल रहे भूमाफिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। भूमाफिया जमीन की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा था जिस पर 2500 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसे आज क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने पिछले एक साल से फरार चल रहे भूमाफिया रमेश टटवाड़े को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। भूमाफिया रमेश टटवाड़े द्वारा क्षेत्र में जमीन की धोखाधड़ी की गई थी, जिसके चलते वो लगातार फरार चल रहा था, जिसे क्राइम ब्रांच ने आज गिरफ्तार किया है। भूमाफिया पर 2500 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिससे और भी अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है। बाणगंगा थाना क्षेत्र से फरार रमेश टटवाड़े नाम के एक भूमाफिया, जिसपे लगभग 2500 रुपए का पूर्व से इनाम था, उसको जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा पकड़ा गया और थाने में सुपुर्द किया गया है। इस पर जो है जमीन के संबंध में धोखाधड़ी करने के आरोप थे, उस पर FIR हुई थी और वो जो है फरार चल रहा था। था लगभग साल भर से फरार था और जो है इसके अलावा दो चोर पकड़े गए हैं, जिनसे दो मोटरसाइकिल